दोस्तों, किसी जर्नी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खास जगह या कोई खास शहर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही विजिट करते हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हमारा रुकना होता है। या तो वहाँ पर हम कोई नई ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, या फिर कोई नई फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं, या फिर कोई नई बस पकड़ने के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमें सिर्फ 2-4 घंटों के लिए रुकना हो, वहाँ पर पूरे दिन के लिए, फुल डे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए होटल बुकिंग करना काफ़ी महंगा सौदा हमारे लिए हो जाता है। वैसे तो इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और इंतज़ार करने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर भी वेट कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वेट करना उतना कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ पर उतना आराम से हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये जरूरी नहीं होती कि रेलवे की वेटिंग हॉल या एयरपोर्ट की वेटिंग हॉल में हम उतना कंफर्टेबल अनुभव कर सकें। रेलवे में भी रिटायरिंग रूम्स होते हैं, वे हमेशा अवेलेबल नहीं होते, उनमें भी काफ़ी रस रहती है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और हमेशा अवेलेबल भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में मान लिया कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पर अगर आप कुछ घंटों के लिए अगर होटल बुक कर सके, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए हमेशा इस तरह से लेटेस्ट ट्रैवल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी 2-4 वेबसाइट्स के बारे में जहां पर आप घंटे के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। यानी कि आप मान लिया कि आप किसी शहर में गए, वहां पर आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए रुकना है, तो आप आराम से 2 घंटे के लिए भी एक रूम बुक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी किफायत कीमत पर। या फिर मान लिया कि वो 10-12 घंटे के लिए भी अगर रुकना हो, तो आप वहां पर 10-12 घंटे के लिए भी मनचाहे समय के लिए आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप फुल डे के लिए होटल बुक करते हैं, तो नॉर्मली उसका चेक इन टाइम जो होता है 10 से 12 बजे दिन के बीच होता है, चेकआउट टाइम अगले दिन होता है, यानी कि सुबह होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया कि आपको सुबह कहीं 8 बजे जाना है और 12 बजे निकल जाना है, तो इस स्थिति में आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको फुल डे के लिए होटल की चार्जेस देनी पड़े। लेकिन दोस्तों, इन वेबसाइट से जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, उन वेबसाइट से अगर आप रूम बुक करते हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं घंटों के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और जो स्लॉट आपने चुना है। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहाँ से आप आवरली बेसिस पे, यानी घंटों के हिसाब से आप रूम बुक कर सकते हैं या होटल बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल पे आवरली होटल सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट की ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप आवरली होटल बुकिंग कर सकते हैं, यानी घंटे के हिसाब से होटल की बुकिंग कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पॉपुलर होटल वेबसाइट जो है वो है mistre.in, और एक और है frotels.com, एक और है bookbyslot.com। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट में कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुकिंग करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ पर बुकिंग करना काफ़ी आसान है। जैसे कि आप गो आई वीवो या मेक माई ट्रिप से किसी होटल की बुकिंग करते हैं, तो यहाँ भी बुकिंग की जो प्रोसेस है वो लगभग वही है, कोई खास अंतर नहीं है। और मान लिया कि मैं कोई तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लिया 17 मई सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे सुबह 8 बजे कोई रूम चाहिए। चेकआउट का टाइम मैं लिख देता हूँ 11 बजे, यानी कि सुबह 8 से 11 बजे 3 घंटे के लिए मुझे चाहिए। चलिए मैं आप सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ लिस्ट मिलती है, जिसे आप अपने प्राइस के हिसाब से भी यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये 500 रुपये में से यहाँ पर शुरू है, 500 रुपये, अधिकतर 500, 600, 700 करके यहाँ पर धीरे धीरे रेट नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आवरली होटल्स की बुकिंग इस तरह होती है, और यहाँ पर आप कुछ घंटे के लिए अगर रुकना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए रुकना चाहते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पूरे के पूरे दिन की पैसे आपको नहीं देने हैं, बल्कि आपको सिर्फ घंटे के हिसाब से पैसे देने हैं। और एक और बात है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या फिर पे एट होटल का भी ऑप्शन है, लेकिन आपको थोड़ा सा पार्शियल पेमेंट, आपको 120 रुपये का यहाँ पर आपको पार्शियल पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा पैसा आपको बुकिंग कंफर्म करने के लिए आपको देना होगा, और बाकी पैसे होटल में जाकर आपको देने पड़ेंगे। चलिए मैं एक और वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ, एक और वेबसाइट है frotels.com, और ये frotels भी लगभग उसी तरह की वेबसाइट है, और यहाँ से भी आप आवरली होटल यानी घंटे के हिसाब से होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ही शहर जमशेदपुर पहले सेलेक्ट किया हुआ है, और ये देखिए, मैंने 2 घंटे के लिए पहले सर्च किया हुआ है। देखिए, 2 घंटे में भी मुझे इतने सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, प्राइस को भी मैंने लो टू हाई सेलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, 540 रुपये से यहाँ पर दिख रहा है मुझे। दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा होगा, क्योंकि 500, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव होगा कि 500-600 रुपये में पूरे दिन की होटल मिल जाती है, लेकिन
ये थोड़े से महंगे तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा सर्च अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मनपसंद सस्ते वाले ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और वेबसाइट है बुक बाय स्लॉट जो काफ़ी पॉपुलर है, उस पर भी आप जाकर होटल्स या आवरली होटल्स बुक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट देखने में कुछ इस तरह का है, और मान लिया मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया दिल्ली और तारीख सेलेक्ट कर ली 16 मई की, और चेक इन टाइम है सुबह के 10 बजे, नंबर ऑफ आवर्स मान लिया 4 आवर्स। देखिए यहाँ के इस वेबसाइट पर जो स्लॉट है वो 4 घंटे, 8 घंटे और 11 घंटे की है। और सर्च फॉर होटल्स पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये सारे होटल्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं, और प्राइस को भी मैं लो पे हाई, लो से हाई पे सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि सबसे सस्ती वाली सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़े। तो ये देखिए, ये आपको 600 रुपये, 700 रुपये के आसपास इतने सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 4 घंटे के लिए आपको इतने चुकाने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा महंगा भी लग सकता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि आवरली होटल्स जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन देखिए होटल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि होटल भी काफ़ी अच्छी है। ये 500-600 रुपये अगर आपको 4-5 घंटे के लिए अगर देना पड़ रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे 24 घंटे यानी एक दिन के लिए अगर बुकिंग करेंगे तो हो सकता है कि इसकी रेट जो है 2-3 हज़ार रुपये के आसपास हो, क्योंकि होटल बढ़िया होटल है। और 600 रुपये कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा होटल की क्वालिटी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये सारे वेबसाइट्स पर जाकर आप आवरली होटल यानी कि घंटे के हिसाब से होटल की बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि कहीं भी आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको 2-4 घंटे के लिए आपको कहीं रुकना हो, थोड़ी देर के लिए अगर स्टे करना हो, तो ये इन वेबसाइट्स पे जाकर या इनके ऐप्स को डाउनलोड करके आप थोड़ी देर के लिए भी होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।